नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि टेक्निकल चार्ट हम कैसे पढ़ सकते हैं और टेक्निकल चार्ट पढ़ के हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं। काफ़ी सारे इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे उसमें और इसमें चर्चा करेंगे और हमें आशा है आज के इस वीडियो से आप लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आपकी पर्टिकुलर स्टॉक की पोजीशन क्या हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अगर आप ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आप में अगर सहनशीलता है तो पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी पैसा भी स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अपने एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे एक सवाल पूछा था कि सर, मेरे इस पार्टिकुलर स्टॉक में मुझे ये लेवल लग रहा है और मुझे लग रहा है ये सेलिंग पे है और मैं उसे सेल करना चाहता हूँ, क्या मेरा ये डिसीजन सही है। तो फिर मैंने उसका चार्ट निकाला, चार्ट निकाल के मैंने देखा और काफ़ी सारे इंडिकेटर यूज़ किया, मूविंग एवरेज यूज़ किया, जो जो यूज़ करना पड़ता है, जो मैं करता हूँ ट्रेंड लाइन ड्राइंग करना, काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मैं सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि अपनी व्यूअर जो है कुछ इसमें सीख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एडुकेशन पर्पज़ बना रहा हूँ और जो भी आउटलुक मैं यहाँ पर पेश करूँगा मेरे खुद के रिसर्च से। अगर आप लोग इस रणनीति को देखते हुए ट्रेड करते हैं तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जो जो मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा उसका हिस्टोरिकल डाटा देखिएगा, हुबहू वैसे हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब आप लिक्विड मनी से अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से ट्रेड करें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं, स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स BEML। ये मेरी पोर्टफोलियो स्टॉक है फ्रेंड्स, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, मुझे बहुत ही पसंद है ये स्टॉक, उसका पूरा बिहेवियर मुझे पता है और मैंने उसमें 200 पॉइंट भी लिया था एक महीने में और मेरे पेड क्लाइंट जो है उन लोगों को भी मैंने 200 पॉइंट दिलवाया था। तो एक अच्छी स्टॉक के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे ये सवाल किया था, सर मुझे लग रहा है कि ये 1000 के नीचे लेवल रहेगा, मतलब 1000 के नीचे जा सकता है एक हफ्ते के चार्ट के हिसाब से, तो मैं उसमें इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहता हूं। तो पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, इंट्राडे सेलिंग करने के लिए या फिर इंट्राडे बाय करने के लिए 1 वीक चार्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि 1 वीक चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी स्टॉक को पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म या फिर मल्टीबैगर के लिए मल्टीबैगर कॉल के लिए एडवाइस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर फिर मैं एक हफ्ते का चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, बारी बारी में सब कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है BEML के हिसाब से, पहले हम इसमें हम बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे फ्रेंड्स, सेटअप RSI मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 डेज एंड 3 डेज पीरियड का कॉम्बिनेशन, MACD 12 डेज, 26 डेज एंड 9 डेज। उसके बाद फ्रेंड्स ट्रेंड इंटेंसिटी मैंने अप्लाई किया, ठीक है ट्रेंड इंटेंसिटी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम एक बार। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया ट्रेंड इंटेंसिटी, ओके फ्रेंड्स ट्रेंड इंटेंसिटी, और ऊपर की तरफ आप लोग देखिएगा यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड 200 डेज और पी बोट मैंने अप्लाई किया। जब मैंने रिसर्च किया था वीडियो बनाना से पहले, इससे पहले काफ़ी सारे इंडिकेटर यूज़ किया चेंज कर करके, तो यहाँ पर मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो चलिए अब हम 1 वीक के हिसाब से देख लेते हैं, 1 वीक के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए RSI जो है, RSI अभी बाइंग पोजीशन पे, देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, RSI बाइंग पोजीशन पे है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है चलिए स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर बाइंग पोजिशन पर है 1 वीक चार्ट में। नेक्स्ट MACD के बारे में बात करूं तो ये भी अभी बाइंग पोजीशन पे है, क्योंकि हिस्टोग्राम बार धीरे धीरे छोटे होने लगे हैं और ये MACD लाइन मेन लाइन को पॉजिटिव ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे रीज़न है फ्रेंड्स ये बाइंग पोजीशन पे है। ट्रेंड इंटेंसिटी के बारे में अगर बात करूँ तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, ट्रेंड इंटेंसिटी भी बाइंग पोजिशन पर है। तो यहाँ पर चार इंडिकेटर हमें बाइंग पोजिशन दिखाई दे रहा है, ठीक है अब हम देख लेंगे चार्ट, चलिए अब हम चार्ट देख लेते हैं।
अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट के जब बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ये सब सारी चीज़ों का बात आएगी। तो यहाँ पर देखिए प्राइस अभी 200 डेज़ के नीचे है, तो 200 डेज़ का जो लेवल है बहुत ऊपर है फ्रेंड्स, बहुत ऊपर। तो 200 डेज़ की चर्चा करके अभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम इंटरडे के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइनली लास्ट का जो तीन चार कैंडल है, 1 2 3 4, ठीक है, लास्ट का जो चार कैंडल है, ये चार कैंडल एक ही जगह पे, देखिए फ्रेंड्स एक ही जगह पे जो है क्लोज हो रहा है, सेम प्राइस में क्लोज हो रहा है। चार कैंडल यानी एक हफ्ता, एक महीना, एक महीना से एक ही जगह पे क्लोज हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को लास्ट दो कैंडल पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर दोबारा देखिए रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। तो रेजिस्टेंस का तो पॉजिटिव ब्रेकआउट कर रहा है, 200 डेज को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया लेकिन क्लोज हुआ है रेजिस्टेंस के नीचे है। तो हर तरीके से बाइंग पोजीशन पे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप में ओपन होते हैं या फिर रेजिस्टेंस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम 20 से 30 मिनट सस्टेंस करते हैं, तब हम आसानी से बाइंग पोजीशन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और 20 डेज के नीचे, सॉरी फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस के नीचे हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, अभी हम सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के द्वारा और सपोर्ट के द्वारा कैसे हम बाइसल कर सकते हैं उसका अलग वीडियो हम डालेंगे। और यहाँ पर जो आप लोग दिख रहे हैं RSI इंडिकेटर, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, ट्रेंड इंटेंसिटी, उसका भी अलग से हम वीडियो डालेंगे। एक एक वीडियो 10 मिनट का तो होगा ही, क्योंकि अलग से उसका एक अच्छी स्ट्रेटजी होता है वो हम डालेंगे। तो एक ही वीडियो आप वीडियो में आप लोग को हम समझा नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे ही ओपन होते हैं और रेजिस्टेंस के नीचे ही सस्टेंस करते हैं 20 मिनट से 30 मिनट तक, तो हम सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ये 1 वीक चार्ट के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल ये बाइंग पोजीशन पे है 1 वीक। अब हम डे के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है, चार्ट कैसे हम पढ़ते हैं वो जान लीजिए फ्रेंड्स। अगर हम डे के हिसाब से बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, डे के चार्ट के हिसाब से ये सेलिंग पोजिशन पर हैं, क्योंकि MACD सेलिंग पोजिशन पर है, स्टोकास्टिक सेलिंग पोजिशन पर है, RSI सेलिंग पोजीशन पे हैं, ट्रेंड इंटेंसिटी सेलिंग पोजीशन पे हैं और कैंडल भी सेलिंग पोजीशन पे हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 1 वीक में हर तरीके से बाइंग पोजीशन, डे चार्ट के हिसाब से चार इंडिकेटर हमें सेल पोजीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल में, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, क्रॉस हेयर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये एक सपोर्ट है, तो जब तक ये सपोर्ट को नेगेटिव ब्रेकआउट नहीं करेगा, उसको क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा, तब तक हम सेलिंग पोजीशन बना नहीं सकते। और सेलिंग का जो लेवल है फ्रेंड्स, जब ये सपोर्ट को नेगेटिव ब्रेकआउट करके 996 के नीचे सस्टेंस करेगा, अभी 1027 है प्राइस, क्लोज प्राइस 996 के नीचे सस्टेंस करेगा 20 से 30 मिनट तक, तब हम सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर हम, क्योंकि तब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे जब हम सेल करेंगे तब सेलिंग लेवल क्या रहेगा वो अभी हम बता नहीं सकते फ्रेंड्स, ठीक है, वो हम लाइव मार्केट में कैलकुलेट करके निकालते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम डे चार्ट के हिसाब से अभी उसको सेल कर देते हैं इंडिकेटर को देखते हुए, क्योंकि चार इंडिकेटर सेलिंग पोजीशन पे हैं, तब क्या होगा फ्रेंड्स, रिस्क हो सकता है क्योंकि प्राइस अभी मिडल पे है, शायद ऐसा भी हो सकता है अगले दिन ये गैप अप, मतलब कि अभी 1027 रुपये में क्लोज हुआ, 10 रुपये ऊपर ओपन हुआ, 10 रुपये ऊपर ओपन हुआ, तब ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जो पीवोट है पीवोट को पॉजिटिव ब्रेकआउट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है 10 पॉइंट नीचे अगर ओपन होते हैं यानी 1020 में, तो ये सपोर्ट को नेगेटिव ब्रेकआउट कर ले। तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम ये सेलिंग पोजीशन पे, कर नहीं सकते। तो 1 वीक के हिसाब से अभी बाइंग पोजीशन पे हैं और 1 डे के हिसाब से इंडिकेटर सेलिंग है, लेकिन ओवरऑल ये अभी मिडल पे हैं, ओके। आप देखिए अब आती है इंट्राडे के परफेक्ट टाइम, इंट्राडे के हिसाब से परफेक्ट अगर टाइम फ्रेम बात करें तो बारी बारी में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रेंड इंटेंसिटी बाइंग पोजीशन,
MACD बाइंग पोजीशन, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स बाइंग पोजीशन, RSI बाइंग पोजीशन। और यहाँ पर देखिए क्रॉस हेयर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल देखिए कितने अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहला जो कैंडल है यहाँ पर लास्ट का दो कैंडल है, एक बुलिश एक बियरिश, बियरिश कैंडल जो है नेगेटिव ब्रेकआउट किया था सपोर्ट को, लेकिन क्लोज हुआ सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है और अभी उसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, क्योंकि बाकी सारे इंडिकेटर भी सभी बाइंग पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये बाइंग पोजीशन पे हैं। हाँ, अगले दिन अगर ये गैप डाउन में ओपन होते हैं और गैप डाउन के नीचे सस्टेंस करते हैं, बार बार मैं ये आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल हम तब कर सकते हैं जब हमें इंडिकेटर सेलिंग लेवल दिखाई देगा, क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी बाइंग पोजीशन पे हैं, तो हम कैसे उसको सेल करेंगे, हम सेल कर नहीं सकते। हम बाय कर सकते हैं बाय, लेकिन बाय हम तब करेंगे जब ये सपोर्ट लेवल के ऊपर रहेगा। अगर ऐसा नहीं होते हैं, मतलब के ऐसा नहीं होते, उसका कहने का मतलब क्या है, इंडिकेटर सेलिंग बाइंग पोजीशन पे हैं और सपोर्ट के नीचे यानी सेलिंग पोजीशन पे, तो ये दुविधा में है, हम इस पोजीशन में ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे, हमें स्ट्रांगली एक तरफा मिलना चाहिए, इंडिकेटर भी बाय होना चाहिए, चार्ट भी बाइंग पे होना चाहिए, पी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बाइंग पे होना चाहिए, मूविंग एवरेज पे बाइंग पे होना चाहिए, अगर सेल करेंगे तो सभी सेलिंग पे होना चाहिए। ठीक है, तो वन आवर चार्ट के हिसाब से स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन। चलिए आप 30 मिनट पे देख लेते हैं, अभी 11 मिनट का हो चुका है फ्रेंड्स, 30 मिनट के हिसाब से अगर देखें तो ये भी बाइंग पोजीशन पे है, MACD बाय, ट्रेंड इंटेंसिटी बाय, स्टोकास्टिक बाय, RSI बाय, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट भी दे रहा है बाय। उसके बाद हम 15 मिनट देख लेते हैं, फाइनली 15 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर दो बुलिश कैंडल, लास्ट में एक बियरिश कैंडल, तो देखिए अभी रैली स्टार्ट हो चुके हैं बाइंग की तरफ, क्योंकि नीचे हमें सपोर्ट दे रहा है, अगर सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम सेल कर सकते हैं, और कम से कम 20 या 30 मिनट सस्टेंस करना चाहिए उसके नीचे, लेकिन साथ ही साथ हमें RSI, स्टोकास्टिक, MACD और ट्रेंड इंटेंसिटी भी सेलिंग पोजीशन दिखाई देना चाहिए, उसके बाद हम सेल करेंगे, अदरवाइज इसमें हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। और मैं इस तरीके से करता हूँ ट्रेड, मैं इस तरीके से कॉल रिचार्ज करता हूँ, और सिर्फ ये नहीं, काफ़ी सारे इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, और मैं ट्रेंड करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग करने के बाद हम लेवल निकालते हैं, एक्चुअली ये बाइंग पे या सेलिंग पे हैं, क्योंकि ड्राइंग जो होता है फ्रेंड्स, ट्रेंड ड्राइंग, वो सबसे परफेक्ट काम करती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आप लोग, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत ही हाई क्वालिटी स्ट्रेटजी होता है वो, जो बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है इस वीडियो से आप लोगों की जानकारी प्राप्त हुई है और चार्ट के बारे में आप लोगों को पता चल चुके हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, जब सभी इंडिकेटर, सभी मूविंग एवरेज जो जो आप अप्लाई किया, अगर बाइंग पे है तो बाय करेंगे, अगर सेलिंग पे है तो सेल करेंगे, अगर इंडिकेटर बाइंग पे हैं और चार्ट मूविंग एवरेज आपके बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर अगर सेलिंग पोजीशन पे है यानी उल्टा है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना बाय ना सेल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा ही, अगले दिन के लिए ये बाइंग पोजीशन पे है, ओवरऑल बस हम यहाँ पर लेवल हम बता सकते हैं, अगर 996 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम कुछ पॉइंट के लिए सेल कर सकते हैं, और अगर गैप डाउन में ओपन नहीं होते हैं या फिर जिस जगह पे ओपन होते हैं उस जगह से ओपन होके 996 पे सस्टेंस नहीं करते तब तक हम सेल नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना सही, वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।